दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं, हमने APS के एग्ज़ाम के लिए एक सीरीज चला रखी है, जिसकी गति हम 70 से 80 शब्द प्रति मिनट रखते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। सामाजिक न्याय के नाम पर जाति की राजनीति शीर्षक से लिखे आलेख में संजय गुप्ता ने जाति आधारित गणना के वास्तविक कारणों का विश्लेषण किया है। सवाल यह है कि जातिवार गणना से समाज का हित किस प्रकार संभव है? क्या इसका मकसद जनसंख्या के आधार पर लोगों को आरक्षण देना है, जैसे कि राहुल गांधी और लालू यादव जैसे नेताओं ने इसकी मांग उठाना शुरू कर दिया है? क्या देश में 85% आरक्षण की मांग वोट के लिए राष्ट्र को गर्त में धकेलने का प्रयास नहीं है? स्वयं बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने संविधान सभा में 30% से अधिक आरक्षण देश के लिए खतरा बताया था। आखिर खुद को बाबा साहब का अनुचर बताने वाले आज उन्हीं की बात सुनने को तैयार क्यों नहीं है? सच्चाई यह है कि 70 वर्षों के आरक्षण ने सबको समान लाभ पहुंचाने के बजाय एक नए संभ्रत वर्ग का निर्माण कर दिया है, जिससे दलित समाज स्वयं सक्षम और अक्षम दो हिस्सों में विभाजित हो गया है। इससे साबित होता है कि वर्तमान आरक्षण व्यवस्था वास्तविक समानता लाने में नाकाम साबित हुई है। दरअसल जातिवार गणना का सीगुफा वास्तव में शोषित वंचितों के उत्थान के लिए नहीं, बल्कि जाति के नाम पर लोगों की भावनाओं को उभार कर अपने हित साधने का एक नकारात्मक प्रयास है। पिछले 10 वर्षों से देश का पिछड़ा समाज जिस तरह मोदी को एकजुट होकर समर्थन देने
लगा है उससे विपक्षी पार्टियों में व्यापक बेचैनी का आलम है। उन्हें लगने लगा है कि जब तक पिछड़े समाज के लोगों को वह मोदी से दूर नहीं कर देते, तब तक उनका लक्ष्य कभी पूरा नहीं हो सकता। स्टॉप।